वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज क्योंकि एमए स्कूल सिस्टम के फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट पेपर है, आज हम अपने स्टूडेंट से कुछ उनसे पूछेंगे, उनसे सवालात करेंगे अच्छे अच्छे कि कैसे आपके पेपर हुए हैं। आज हमारे पास पहले स्टूडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, हम इनसे ज़रा कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप अच्छा ये बताएं, आपके फाइनल पेपर हुए हैं तो आप अपने पेपर्स के बारे में क्या कहते हैं, कैसे हुए हैं पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए, हमारा जो स्टाफ है उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह काफ़ी एक्साइटमेंट है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा। एक और स्टूडेंट हमारे पास हैं अब्दुल्ला आसिम, क्लास 7th से, तो अब इनसे भी पूछते हैं कि आपके पेपर कैसे हैं। अब्दुल्ला कैसे हुए आपके पेपर? जी हाँ, हमारे पेपर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर ने हम पर बहुत मेहनत की है, अब रिजल्ट का इंतजार है, देखते हैं कैसे निकलता है। पास 9th क्लास के एक और स्टूडेंट मोहम्मद फियाज जिनका नाम है, हम उनसे पूछते हैं कि आपके पेपर कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम फियाज। वालेकुम सलाम। कैसे हुए आपके पेपर? माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्टाफ, मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ बहुत अच्छी मेहनत करवाई है हमें, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है हमारे हमें पढ़ाने के लिए, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। जो मदीना से हमारे पास तशरीफ लाए हैं पढ़ने के लिए, हमारी ढेर सारी दुआएं हैं इनके लिए। मोहम्मद उस्मान से हम पूछते हैं कि उनके पेपर, आपके पेपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए, हमारे स्टाफ, मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ ने हमें बहुत मेहनत की है और हमारी बड़ी कोशिश की है, उनकी मेहनत अपनी मेहनत में रंग लेकर आए और फिर अच्छा। फिर से पूछते हैं कि इनके 10th क्लास के स्कूल के पेपर कैसे हुए हैं, कैसे हैं आप उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, हम स्टूडेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है और हमारे टीचर्स ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है, हमारे स्टाफ, हमारे टीचर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, अब हमारे रिजल्ट आने आप भी देखें। इनसे पूछते हैं कि इनके स्कूल के पेपर कैसे हुए हैं? जी हमारे स्कूल के पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, हमारे टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो अब हमारे लिए टाइम है कि हम उनकी मेहनत का जवाब दें, अपना रिस्पॉन्स करें उनको अपने एग्ज़ाम्स के। हमारे पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। और आप जहाँ पे पेपर देती हैं, एक और सवाल है, जहाँ पे पेपर देती हैं कि वहाँ पे कोई चीटिंग का भी मसला होता है कि नहीं? नहीं नहीं, हमारे स्कूल में हमारी क्लास में जो टीचर मौजूद होता है वो इतना मतलब हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, उनका चीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हमारी क्लास। आपके कैसे पेपर हुए? जी मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और मुझे भी उम्मीद है कि मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और टीचर्स ने हम पे इतनी मेहनत की है और हमें भी चाहिए कि हम उनकी की मेहनत का फल लेकर आएँ और मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और उम्मीद है कि मैं बहुत। जी तो हमारे पास 9th क्लास की मिनाहिल है, तो हम उनसे पूछते हैं, मिनाहिल आप हमें बताएँ कि आपकी टीचर आपको कैसा पढ़ाते हैं? मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे उनकी एक बहुत बात अच्छी लगती है कि जब भी उनसे कुछ सवाल करती हूँ तो वो बुरा नहीं मनाते और मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो एक्स्ट्रा मुझे चीज़ें बहुत बताते हैं और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जब वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर उनका नाम रोशन करूँ, उनके स्कूल का नाम रोशन करूँ और यही जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी मेरी बातों का बुरा नहीं मनाते हैं और मुझे वो बहुत अच्छी अच्छी और एडिंग चीज़ें बताते हैं। तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हो? मैं उसका रिस्पॉन्स इस तरह कर सकती हूँ कि मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर उन्हें बताऊँगी कि वो हमें कैसे पढ़ाते थे और बस चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मैम जो है हमारे स्कूल की, मैम हाफ़िज़ा तैयबा बतूल, वो इनके साथ किस तरह रहती हैं और स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेवियर और उनकी कोऑपरेशन किस तरह की है? हमारी जो मैम है वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, हमें अपनी बेटियों की तरह समझती हैं और वो अगर भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे शेयर करते हैं तो उसको पूरा मदद करते हैं। अब हम 10th क्लास के उसवा से स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे कि स्कूल का माहौल कैसा है, यहाँ पे बच्चों को कितनी डिसिप्लिन की पाबंदी करनी पड़ती है और क्या क्या मामला है? हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, अब हमारी सर्दियाँ चल रही हैं लेकिन सर्दियों में भी हमारे असम्बली होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा रूल है, सब बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं और क्लास पे बाहर जाने तो टीचर की परमिशन के बगैर नहीं जाते और पास लेके जाते हैं और बस। जैसा कि आपके पेपर अभी चल रहे हैं, पेपर में किस तरह की स्ट्रिक्टनेस है, टीचर्स कितनी कोऑपरेशन दिखाते हैं, वो सब बताएं। जी हमारे पेपर चल रहे हैं और टीचर्स हमें बिल्कुल चीटिंग नहीं करने देते, वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और हम भी सवाल करते हैं कि रमैसा आप कितने साल से स्कूल में हैं? मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ। और आपको स्कूल में आके कैसा लगा? मुझे स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वो बच्चों पे बहुत मेहनत करता है और इंशाल्लाह और हमारे पेपर हो रहे हैं, हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और यहाँ पे हम किसी स्टाफ से या किसी सर से पूछें कि हमारा कहाँ के हमने क्या करना है तो वो कोई किसी बात का बुरा नहीं मनाते और हर एक बात का हमें आगे से रिस्पॉन्स कर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम इशर फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 1 में हूँ। वेरी गुड। आपकी टीचर कैसी हैं? मेरी टीचर बहुत अच्छी है, उनका नाम है साबदा। मिस साबदा, अच्छा, वेरी गुड। और आपके पेपर हो रहे हैं, कैसे पेपर हुए? मेरे पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप एक्साइटेड हैं, और रिजल्ट कैसा आएगा? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर अब्बास है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 1। 1 क्लास में। अच्छा, आपके पेपर हो रहे हैं अभी? यस। कैसे पेपर हो रहे हैं? अच्छे। बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, ये स्कूल कैसा लगा आपको? स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर टीचर भी अच्छी है, यहाँ पर सफाई होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीजा उस्मान। अलीजा, आपके पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे। और रिजल्ट कैसा आएगा? बहुत अच्छा। पोजीशन आएगी? हाँ जी। वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा इजाज। अच्छा मूसा, मूसा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास। आपके पेपर हो रहे हैं? यस। कैसे हुए हैं आपके पेपर? सही हो रहे हैं। बहुत अच्छे हैं।